न्यूज़। माजी के गढ़ बाजार में ठंड लगने से बेहोश होकर गिरे यूपी के दिव्यांग को समाज सेवी ने पहुंचाया अस्पताल। माजी नगर पंचायत के गढ़ बाजार पर मंगलवार की सुबह ठंड लगने से बेहोश होकर गिरे यूपी के दिव्यांग युवक को समाज सेवी सत्या सिंह ने एम्बुलेंस में लादकर माजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसका इलाज किया। होश में आने पर युवक ने बताया कि वह मई के चिरैया कोट का रहने वाला है। यह अपनी बीमार बहन के इलाज के खर्च में सहयोग हेतु चंदा मांगने माजी पहुंचा था। पिछले दो दिनों से लोगों का सहयोग नहीं मिल पाने की वजह से वह खुद भूखा प्यासा था। दिव्यांग युवक का इलाज कराने सरकारी अस्पताल पहुंचे समाजसेवी सत्या सिंह ने उसे भोजन कराया तथा समुचित नगद राशि प्रदान कर उसे वापस घर भेज दिया। माजी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सब सोच के हमको टेंशन हो गया था, खाना भी नहीं खाया था, सब पहले ठंडी लग गया था। अच्छा, इसमें भी हम एक हाथ एक पैर से पैदाइशी विकलांग भी हैं, कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। तो बहन कहाँ है? घर पे हैं, चिरैया को से निकले थे, एजेंसी जा रहे थे, तब तक देखे अचानक कि गिर गए हैं रोड पे, तो इनको उठा के सेक उक लगवाए हैं, फिर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाए हैं, फिर खाना उना खिलाए हैं, इलाज करा दिए हैं, अब कुछ पैसा दे दिए हैं, इनको घर जाने के लिए बोल रहे हैं, अभी घर जा रहे हैं, काहे कि ठंड है और मदद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, और घर पे छोटी बहनों को छोड़ के आए हैं बता रहे हैं, तो इनको भेज रहे हैं, अब ये अब जाएंगे अपने घर मऊ। बेहोश पड़े थे रास्ते पे? हाँ हाँ, रास्ते में ही अचानक गिर गए थे, बोल नहीं रहे थे कुछ भी, फिर हम एम्बुलेंस बुलाए हैं, बुलाने के बाद फिर हॉस्पिटल माजी पीएससी में इलाज करवा के इनको पैसा वैसा दे के दवा दे के भेज रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सत्या सिंह, यही माझी उत्तर टोला घर है मेरा।